तो वहीं रायपुर में भी बारिश नहीं होने से गर्मी बढ़ गई है। 38 डिग्री सेल्सियस तक प्रदेश का तापमान पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं, धमतरी का तापमान है 37.9 डिग्री, रायपुर का 35.2, बिलासपुर राजनांदगांव का 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो जिस तरह की बारिश अगस्त के महीने में होनी थी वो नहीं हुई और अभी भी नहीं हो रही है। यही वजह है कि गर्मी उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। तापमान बढ़ गया है कई इलाकों में, 37 कई में 35 तो कई इलाकों में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा है, जिससे लोग परेशान हो ही रहे हैं, किसान भी परेशान हैं, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सभी को। कोंडागांव में मत्स्य विभाग के एक क्लर्क ने 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला करते हुए सरकारी पैसे से ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लगा है। ट्रेडिंग में पैसे गंवाने के बाद क्लर्क ने खुद ही पूरे मामले का खुलासा किया तो विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और अब सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी संजय गढ़पाले मत्स्य विभाग कोंडागांव और नारायणपुर के चार्ज में था और 1 साल के दौरान उसने अधिकारी के फर्जी साइन कर 1.25 करोड़ रुपए सरकारी पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर किए और उस रकम को ऑनलाइन ट्रेडिंग में गंवा चुका है। पुलिस की माने तो आरोपी के पास से 1 लाख रुपए की रकम, कंप्यूटर और बैंक के पास बुक जब्त किए गए। मत्स्य विभाग का एक सहायक ग्रेड 2 का कर्मचारी है जो कि नारायणपुर में पदस्थ था और उसको कोंडागांव में भी अतिरिक्त प्रभार में था, अकाउंटेंट का काम करता था ये। और ये जून 2022 से अभी तक ये लगभग शासकीय पैसे को अपने खाते में 1.25 करोड़ जो राशि थी ये अपने खाते में डाल लिया है, जिसकी जांच की गई मत्स्य विभाग के द्वारा और जांच करके रिपोर्ट आया, उसके बाद ये थाने में आकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया। थाने में धारा 409-420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शुरुआती जाँच में हमको ये पता चला है कि लगभग सभी राशि को ये ट्रेडिंग करता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इसके जरिए सभी राशि को ये गंवा चुका है। अंबिकापुर से खबर है, बेकाबू बाइक ने खड़े बाइक को टक्कर मार दी, बाल बाल बचा है बाइक सवार। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। मैनपाट नर्मदापुर सेंट्रल बैंक के पास की घटना, बेकाबू बाइक ने खड़ी बाइक को टक्कर मारी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई बाइकें इसकी चपेट में आई हैं, तेज रफ्तार से बाइक सवार कई बाइकों से टकरा गया, कई बाइक से टकरा है, बाल बाल बचा है बाइक सवार। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है, सोशल मीडिया पर वीडियो अब वायरल हो रहा है। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, सड़क के किनारे खड़ी बाइक्स को अपनी चपेट में लिया, 3 से 4 बाइक को टक्कर मारी है और चोटें भी आई हैं बाइक सवार को। हालांकि बाल बाल बच गया है बाइक सवार युवक। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी तेज रफ्तार थी बाइक की। छतरपुर से बड़ी खबर है, सरेराज सरपंच पति की पिटाई कर दी गई, आदिवासी महिला सरपंच ने पति को पीटा है। सरपंच पति की पिटाई का वीडियो सामने आया है, सिविल लाइन थाना इलाके की घटना है। गांव के ही दबंगों ने पिटाई की है, सरपंच पति को जबरन अपनी बाइक पर ले गए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है, घटना के बाद से आरोपी फरार। छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां सरेराह सरपंच पति की पिटाई कर दी गई, आदिवासी महिला सरपंच के पति को पीटा गया, सरपंच पति की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, सिविल लाइन थाना इलाके की घटना। गांव के ही दबंगों ने पिटाई की है, सरपंच पति को जबरन अपनी बाइक पर ले गए थे, सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, घटना के बाद से आरोपी फरार। खंडवा में कई मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने, बिजली सप्लाई दुरुस्त करने, नहर में पानी छोड़ने और प्याज की रुकी हुई राशि दिए जाने की मांग की। आपको बता दें कि जिले में कम बारिश होने से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। पिछले कई दिनों से जब से हमने बीज बोया है तब से पानी नहीं गिरा है, पानी गिरा है तो वो भी बूंद बूंद गिरा है, खेत से बाहर ही नहीं निकला। ऐसे में अभी और एक कम से कम 1 से 1.5 महीने से बारिश हुई है, इससे हमारी सोयाबीन कपास मिर्ची प्याज जो भी फसलें सभी जल गई है। अभी आप खेतों में देखो तो आपको खेत में कहीं नहीं दिखेगा और किसान बहुत परेशान है। आज हम सरकार को जगाने आए, प्रशासन को जगाने और चेतावनी देने आए कि जिले को जल्द से जल्द सूखा घोषित करें। देख रहे हैं कि फसलों की स्थितियां क्या है,
सोयाबीन की फसल पूर्ण रूप से खराब हो गई है। इसलिए हम शासन से यही मांग करते हैं कि बिना देरी किए खंडवा जिले को सूखा घोषित करें, और जो किसानों का पेंडू जो सूखा घोषित करने के संबंध में, क्योंकि इसमें राज्य सरकार को कार्रवाई करना है, तो जो इनका ज्ञापन है उसको हम राज्य सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर देंगे। बाकी बिंदुओं के संबंध में जिले स्तर से कार्रवाई करना है, उसमें जो भी संबंधित अधिकारियों से शासन के निर्देशों के परिपालन में उनसे चर्चा की जाकर जो भी उचित कार्रवाई होगी किसानों के हित में कार्रवाई होगी। वहीं रतलाम में सोयाबीन की फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसलों की ग्रोथ रुक गई है, जिससे किसान अब परेशान हैं। सोयाबीन की फसलों को अंतिम दिनों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन बारिश नहीं हुई है 25 दिनों से। सोयाबीन की फसलें 100% खराब हो चुकी हैं। जिन खेतों में मिट्टी की मात्रा अधिक है वहाँ 50% फसलें जीवित हैं। वहीं हरदा जिले में कम बारिश होने से सूखे के हालात बन गए हैं, और अब भगवान से प्रार्थना की जा रही है, पूजा पाठ हो रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंद्रदेव से बारिश की प्रार्थना की, वर्षा की प्रार्थना की। गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचे, भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कमल पटेल ने आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण को लेकर शुभकामना देते हुए कहा कि सरकार संकट के समय में किसानों के साथ खड़ी है। हरदा सहित संपूर्ण प्रदेश में इंद्र देवता की कृपा हो, बारिश हो, ताकि हमारे किसानों की खरीफ की सोयाबीन की फसल और बाकी फसल भी बच सके धान, और इसलिए अच्छी वर्षा करे इंद्र देवता। इसलिए हमने पर्जन्य अभिषेक किया है गुप्तेश्वर भगवान पे। देवास के सिल्वर कॉलोनी में शहर काजी और अन्य के साथ हुए विवाद के मामले में औद्योगिक थाना पुलिस ने काजी पर धारा 307, 25 आर्म्स एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं बढ़ा दी हैं। देवास SP संपत उपाध्याय ने बताया है कि CCTV के आधार पर 307 की धारा बढ़ाई गई। वीडियो में हथियार भी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, 2 दिन पहले हुए विवाद के बाद मामला गर्मा गया था। शहर काजी अबुल कलाम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। CCTV में शहर काजी रिवॉल्वर लेकर किसी युवक के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। में एक प्लॉट चल रहा था जिसके जांच की जा रही थी थाने पर, उसमें कुछ नए सबूत मिले हैं, एक वीडियो फुटेज वगैरह मिला है और कुछ अन्य गवाहों के बयान भी हुए हैं। तो उन जो भी तथ्य आए हैं, सबूत और बयान के आधार पर उस प्रकरण में धारा 307 का इजाफा। 17 में एक झोला छाप डॉक्टर पर महिला की जान लेने का आरोप लगा है। मामला जिला अस्पताल के पास का है, जहां मेडिकल स्टोर में चल रहे अवैध क्लिनिक की एक महिला डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगा। आरोप है कि बुखार से पीड़ित महिला को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यहाँ बोल तो रहे हैं, बोले हैं उनके हस्बैंड से मैंने बात की, बोले कि वो इंजेक्शन लगाए हैं, तो उतने समय से उनका मन वो हुआ है, मतलब ऊपर नीचे शायद उमड़ाया है, थोड़ा सा मसला हट हुई है, तो बोले कि उल्टी लग रही है। फिर इन्होंने मेडिकल वाले ने उनको दवाई दी वो अंदर से परमिशन लेने के बाद, फिर इसके बाद फिर वो बोली ही नहीं। इसके बाद हुई है तो हंगामा करेंगे ही, पर हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं है। वो आई थी फीवर को, 2-3 लोग पकड़ के लाए थे, अच्छी तेज़ फीवर था उसको, बहुत ही तेज़ फीवर था उसको, है ना, 101 डिग्री बुखार था उसे, है ना। हमने कालपोल टैबलेट जो जनरल खिलाया जाता है बुखार में वो खिलाया था, कालपोल टैबलेट, उसके बाद उसकी फीवर हो गया 99.5 हो गया। हमने नारियल पानी भी उसको पिलवाया, एक नारियल पानी पी है, उसके बाद उसकी बुखार जब थोड़ा कम हुई है तो हमने डाइक्लोर AC लगाया है। इनके पति हैं रामकिशोर विश्वकर्मा जी, इन्होंने रिपोर्ट दी है कि इनकी पत्नी राजा भाई विश्वकर्मा की तबीयत खराब थी, इनको इलाज के लिए ये यहाँ लेकर के आए थे। इलाज के दौरान
उनका कहना है कि गलत इंजेक्शन दे देने से उनकी मृत्यु हो गई है।